Hello guys, I hope you all are fine. So I have taken a new video. This is all about Delhi Sultanate, and this is a very very important topic in ancient India. As you know that this topic always comes in every exam. ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में ये इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूरी आता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक. हाँ, और एक मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि दिस वीडियो इज़ बायलिंगुअल, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है. हिंदी की नोट्स मैं बाद में लास्ट में वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो दिस विल रियली हेल्पफुल टू यू. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें. सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट ऑल्सो. So I will not take much time of yours and let's start the topic. So Delhi Sultanate में first आता है slave dynasty. Slave dynasty में जो इनका period given है slave dynasty का, और उसके first ruler थे कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक का भी period given है 1206 to 1210. So this dynasty also known as Mamluks or Ilbari Turk dynasty. Originally a slave, Qutbuddin Aibak, because of his merit and loyalty, was raised to the post of viceroy by Muhammad Ghori. Lahore and later Delhi was his capital. For his generosity, he was given the title of Lakh Baksh. He constructed two mosques, Quayatul Islam at Delhi and Adhai Din Ka Jhopda at Ajmer. He also began the construction of Qutub Minar in the honor of famous Sufi saint Khwaja Qutbuddin Aibak Bakhtiar Kaki. Aibak patronized writers like Hasan ul Nizami, author of Tazul Masir, Fakhr ud Din, author of Tariq-e-Mubarak Shahi. He fell from the house while playing Chogan Polo and died. Aibak was succeeded by Aram Shah, but the throne was usurped by Iltutmish. So इसमें यही बताया गया है कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं, उनका पीरियड गिवन है और उनकी डिनेस्टी को कई नामों से जाना जाता था, जिसमें इलबरी तुर्क डिनेस्टी और मुमलुक्स भी बोला जाता था. वो ओरिजिनली स्लेव थे, इसलिए उनकी जो लॉयलिटी थी और मैरिट थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी जो वहाँ के लोग थे, और इसलिए उनको वायसराय बना दिया गया था बाय मोहम्मद गौरी. मोहम्मद गौरी ने उन्हें वायसराय बना दिया गया था उनकी लॉयल्टी और मैरिट को देखकर. और उन्हें लाहौर और लेटर दिल्ली वाज हिज कैपिटल, उनकी कैपिटल बना दी गई थी. और फॉर हिज जेनरोसिटी ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ लख बख्श. लख बख्श का उन्हें टाइटल दे दिया गया था. उन्होंने दो मॉस्क बनाई हैं, एक बनाई है क्वायत उल इस्लाम एट दिल्ली में और एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा एट अजमेर में बनाई है. He also began the construction of Qutub Minar. Qutub Minar का भी उन्होंने construction start कर दिया था, लेकिन वो complete नहीं कर पाए थे, उससे पहले ही उनकी death हो गई थी. और वो किसके honor में बनाया गया था Qutub Minar का construction? उन्होंने बनाया उनके सूफी saint ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में उन्होंने बनाया था. और ऐबक ने पेट्रोनाइज्ड राइटर्स लाइक हसन उल निज़ामी, ऑथर ऑफ ताज उल मसारी एंड फख्र उद दीन, ऑथर ऑफ तारीख ए मुबारक शाही. उनकी डेथ कैसे हुई थी? ही फेल फ्रॉम द हॉर्स, वो घोड़े से गिर गए थे जब वो चौगन खेल रहे थे, और ऐसे उनकी डेथ मानी जाती है. ऐबक वॉज सक्सीडेड बाई आराम शाह. ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो आराम शाह बना था 1210 में, लेकिन उनकी गद्दी जो थी इल्तुतमिश ने हड़प ली थी. नेक्स्ट इज इल्तुतमिश. इल्तुतमिश का भी पीरियड गिवन है 1211 टू 1236. ही इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्लेव किंग. बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत मानी जाती है, एंड द रियल कंसोलिडेटर ऑफ द टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया. ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर. ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ 40 लॉयल स्लेव्स नॉन एज टर्कनी, चहलगनी और चालीसा. He introduced the silver tanka and chopper jital. He patronized Minhaj us-Siraj, author of Tabaqat-e-Nasiri. He is called the father of tomb
Tom Building built Sultan Ghuri in Delhi. He saved Delhi Sultanate from the wrath of Chinggis Khan, the Mongol ruler, by refusing shelter of Khwarizm Shah, whom Chinggis was chasing. He was succeeded by Rukhuddin Firoz, AD 1236. Finally, the throne was given to Razia. He started the Ikta system in Delhi Sultanate. This is an assignment of land in lieu of salary, which is distributed to his officers. इसमें भी यही बताया गया है कि इन्हें सबसे बड़ा गुलाम राजा माना जाता है और इंडिया में तुर्की विजय का वास्तविक जो इन्हें क्रेडिट दिया जाता है और लाहौर के स्थान पे इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था. इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण पूरा कर दिया था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने अधूरा छोड़ के उनकी डेथ हो गई थी. उसने 40 वफादार गुलामों का एक समूह बनाया था जिसे तुर्कानी चहलगानी और चालीसा के नाम से जाना जाता है. उन्होंने चांदी का टंका, ताम्र जीतल पेश किया था. उसने तबकात नासी के लेखक मिन्हाज उस सिराज को संरक्षण दिया था. उन्होंने मकबरे की इमारत जो कि दिल्ली में निर्मित सुल्तानगढ़ी में है का जनक कहा जाता है. उन्होंने मंगोल शासक चंगेज खान के प्रकोप से दिल्ली सल्तनत को बचाया था. चंगेज का पीछा कर रहे ख्वारिज शाह को भी शरण देने से उन्होंने इनकार कर दिया था. उसके बाद रुकन उद्दीन फिरोज जो कि 1236 ईस्वी में है ने गद्दी संभाली थी और अंत में राजगद्दी रजिया को दे दी गई थी. उसने दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की. यह वेतन के एवज में जमीन का बंटवारा है जिसे उसने अपने अधिकारियों को बांट दिया था. अब इल्तुतमिश के बाद आते हैं रजिया सुल्तान. इनका भी पीरियड गिवन है 1236 टू 1240 एंड शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया. She sent an expedition against Rajput state of Ranthambore and her affection towards Yakut was not liked by the nobles. Yakut was killed and she married the governor of Bhatinda, Altunia. She was assassinated near Kettle, Haryana. She was succeeded by Muizuddin Bahram Shah, Alauddin Masood Shah, Nasir Uddin Mahmud and Ghiyasuddin बलबन. अब इसके बारे में भी रजिया सुल्तान का भी पीरियड गिवन है और ये मध्यकालीन भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी. इन्होंने रणथंभौर के राजपूत राज्य के खिलाफ एक अभियान भेजा था और इनकी याकूत के प्रति स्नेह थी जो कई लोगों को पसंद नहीं थी, इसलिए याकूत को मार दिया गया था और उन्होंने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया से शादी कर ली थी. कैथल हरियाणा के पास उनकी हत्या कर दी गई थी. उसके बाद वो मयूजीद्दीन बहराम शाह उनकी गद्दी पे बैठे, फिर अलाउद्दीन मसूद बैठे, फिर शाह नसीरुद्दीन बैठे, फिर महमूद एंड ग्यासुद्दीन बलबन बैठे. नेक्स्ट है ग्यासुद्दीन बलबन. Period is given 1265 to 1286. He created a strong centralized army and established the military department Diwani Arz. He ordered the separation of military affairs from finance department Diwani Wazrat. He appointed spies. He took up the title of Zil-e-Ilahi, Shadow of God, and impressed upon the people that king was the deputy of God, Niyamat-e-Khudai. Balban adopted a policy of blood and iron to save Delhi from foreign aggressions. He was a patron of Persian literature and showed special favor to Amir Khusro. Kaikyobad, the last Ilbari king, was killed by Jalaluddin Khalji in AD 1290. So, इसके बारे में भी यही बताया गया है. जो ये ग्यासुद्दीन बलबन थे, ये एक मजबूत केंद्रीकृत सेना बनाई थी इन्होंने और सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज की स्थापना की थी इन्होंने. इन्होंने वित्त विभाग जिनको दीवाने वजारत से सैन्य मामलों को अलग करने का आदेश दे दिया था. इन्होंने गुप्त चुरों की भी नियुक्ति की थी. इन्हें जिले इलाही के नाम की उपाधि दी गई. लोगों को भी काफ़ी इन्होंने इम्प्रेस करा हुआ था कि राजा जो होता है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है.
दिल्ली को विदेशी आक्रमणों से बचाने के लिए इन्होंने बलबन ने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वह फारसी साहित्य का संरक्षक था और उसने अमीर खुसरो पर विशेष कृपा की थी। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा अंतिम अलबारी राजा केकुबाद की हत्या कर दी गई थी। He insisted on the Iranian ceremonies of sajda and pious prostration and kissing the monarch's feet and Balban started the festival of Nowroz. तो इन्होंने इंसिस्ट भी किया था कि जो ईरानियन सेरेमनीज होती है सजदा करने की, वो इन्होंने उसको लाए थे, प्रभाव में लेकर आए थे, और बलबन ने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था जिसका नाम था नौरोज। अब खिलजी डेनेस्टी का पीरियड इज़ गिवन 1290 टू 1320। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जलालुद्दीन खिलजी वॉज द इन्वेजन ऑफ देवागिरी इन 1294 बाई हिज नेफ्यू एंड सन इन ला अलाउद्दीन खिलजी। ही मैरिड हिज डॉटर टू उलुग खान, a descendant of Chinggis Khan, to win his goodwill. जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही था कि उनके जो भतीजे और दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1294 में देवगिरी पे आक्रमण था किया गया था। उसने अपनी सद्भावना जीतने के लिए चंगेज खान के वंशज उलुग खान से अपनी बेटी की शादी कर दी। नेक्स्ट इज अलाउद्दीन खिलजी। He came to the throne by murdering his uncle and father-in-law Jalaluddin Khilji. ये अपनी came to throne ये तभी आए थे, इन्होंने राज्य हासिल किया अपने अंकल और जो इनके father-in-law थे जलालुद्दीन, उनकी हत्या करके। He massacred the rebellious nobles, relatives, family members and the Mongols who had settled in Delhi. Alauddin gave harsh punishment given to the wives and children of all nobles. He first conquered Gujarat and married Raja's wife Kamla Devi. He acquired Malik Kafur from there, who later on carried Alauddin's southern expedition and built a mosque at Rameshwaram. Then he captured Ranthambore, Chittor and Malwa. Alauddin strengthened the northwest frontiers under his trusted commander Ghazi Malik. He built Alai Fort, Alai Darwaza at Qutub Minar, Hazar Sitam, Hoz Khas and capital city Siri. ये इन्होंने बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला यही गया है कि वे अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन जो थे उनकी हत्या करके वो सिंहासन पर बैठ गया था। उनके जो विद्रोही थे अमीर रिश्तेदार परिवार के सदस्य मंगोल, उनका नरसंहार कर दिया था और दिल्ली में बस गए थे, जो कि दिल्ली में बसे हुए थे। अलाउद्दीन ने सभी रईसों की पत्नियों और बच्चों तक को कठोर दंड दिया था। उसने सबसे पहले गुजरात पर विजय प्राप्त की और राजा की पत्नी कमला देवी से विवाह कर लिया। उसने वहाँ से मलिक काफूर का भी अधिग्रहण किया और जिसने बाद में अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान को आगे बढ़ाया। रामेश्वरम में एक मस्जिद का भी उन्होंने निर्माण किया। फिर उसके बाद उन्होंने रणथंभौर थे, चित्तौर और मालवा, उनको सबको कैप्चर किया। अलाउद्दीन ने अपनी नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर थी उसको और ज़्यादा पक्का बनाया, मजबूत किया अंडर हिज ट्रस्टेड कमांडर जो थे गाजी मलिक उनके अंडर में। He built Alai Fort also, Alai Darwaza at Choki Kutub Minar पर है, Hazar Sitam बनाया गया, Hoz Khas बनाया गया, कैपिटल सिटी सिरी भी बनाई गई। अब इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं अलाउद्दीन के, उनके बारे में बताया गया है। अब इनके क्या थे, फर्स्ट सुल्तान टू हैव अ परमानेंट आर्मी, फर्स्ट सुल्तान थे जिनकी परमानेंट आर्मी थी, और ही पेड सोल्जर्स इन कैश। He introduced the system of dak or branding the horses and chehra detailed description of each soldier. इन्होंने दाग या घोड़ों को दागने की प्रणाली और चेहरा की शुरुआत की थी। प्रत्येक सैनिक का विस्तृत विवरण लिया जाता था। इसी में आगे ये है कि मेजर द कल्टिवेबल लैंड एंड फिक्स द लैंड रिवेन्यू। बिश्वा वॉज डिक्लेयर टू बी द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट एंड द स्टेट डिमांडेड हाफ ऑफ द प्रोड्यूस। द मोस्ट ऑफ The post of special officials called Musta Kharaz was created for the purpose of collection of revenue.
खेती योग्य जो भूमि थी उसकी माप की जाती थी, भू राजस्व घोषित कर दिया जाता था और उपज का जो आधा हिस्सा था वो जनता के लिए रखा जाता था। राजस्व वसूली के उद्देश्य से मुस्तखराज नाम एक विदेशी पदाधिकारी घोषित कर दिए गए थे, जो इस पद का सृजन उनके एक्चुअली ये राजस्व वसूली के उद्देश्य से ही किया गया था कि वो राजस्व भी वसूल करेंगे। नेक्स्ट कम्स द तुगलक डायनेस्टी, ग्यासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी में ग्यासुद्दीन तुगलक आते हैं, जिनका पीरियड इज गिवन 1322-1325। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, हु टुक अप द टाइटल ऑफ गाजी और स्लेयर ऑफ द इनफाइडल्स। ही लिबरलाइज्ड अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड टुक कीन इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड फॉर्मुलेटेड अ फेमाइन पॉलिसी। ही बिल्ट द सिटी ऑफ तुगलकाबाद नियर द दिल्ली एंड मेड इट हिज कैपिटल। सूफी सेंट शेख निजामुद्दीन आलिया सेड अबाउट हिम, दिल्ली इज फार अवे। ही डाइड इन AD 1325 आफ्टर फेलिंग फ्रॉम द हाई रेज्ड पैवेलियन। इब्न बतूता द मोरक्कन ट्रैवलर हु वॉज इन दिल्ली एट दैट टाइम opined that his death was due to sabotage arranged by his son Jona Khan, Muhammad bin Tughlaq, jinka naam tha Muhammad bin Tughlaq. So Ghiyasuddin Tughlaq ke bare mein to yahi bola gaya hai ki Tughlaq vansh ke sansthapak aur Delhi ka pehla sultan tha jisne gaji ya kafiron ke hathiyare ki bhi upadhi thi prapt ki thi। उसने अलाउद्दीन की प्रशासनिक नीतियों का को उदार बनाया और नहरों का निर्माण में भी दिलचस्पी ली और अकाल नीति की तैयारी की। उसने दिल्ली के पास तुगलकाबाद शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। सूफी संत जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि दिल्ली बहुत दूर है। 1325 ईस्वी में एक ऊंचे ऊंचे मंडप में से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता जो उस समय दिल्ली में थे, उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु उनके बेटा जोना खान, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाने गए, द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कम्स मोहम्मद बिन तुगलक, इनका भी पीरियड गिवन है 1325-1351। जोना खान इनका नाम था। असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी किंग एवर सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ही वॉज इन एक्सपर्ट इन अरेबिक, पारसियन, एस्ट्रोनॉमी, फिलासफी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ही अप्लाइड हिज रैशनल एंड इनोवेटिव माइंड इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट अचीव्ड लिटिल सक्सेस एज ही वॉज वेरी हेस्टी इन नेचर। सो इनके 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी बताए गए हैं। पहले तो हम इनके बारे में ही थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इनको जोना खान के नाम से जाना जाता था, ये मैंने पहले बताया। और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने जो वाले अभी तक के राजाएं हैं, राजा थे, उनमें सबसे अच्छे असाधारण राजाओं में से एक थे। और वे अरबी, फारसी, खगोल विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित और चिकित्सा के विशेषज्ञ भी रह चुके हैं। उन्होंने प्रशासन के हर पहलू में अपने तर्कसंगत और अभिनव दिमाग का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें बहुत कम सफलता मिली क्योंकि वे स्वभाव से थोड़ी बहुत जल्दबाजी करने वाले थे। नेक्स्ट इनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आते हैं, इंक्रीज टैक्सेशन इन दोआब। इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था दुआब में, एंड 1326 ईस्वी में ये हुआ था। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दियोगिरी, दौलताबाद कर दी गई थी, दिल्ली से दियोगिरी कर दी गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, खुरासान एक्सपीडिशन इन नॉर्थ वेस्ट एंड कुरानचल एक्सपीडिशन इन हिमालयस। ही डाइड इन थट्टा सिंध वाइल कैंपेनिंग अगेंस्ट अ टर्किश स्लेव तागी। थाटा में इनकी डेथ हो गई थी, जो कि सिंध में है। और ये कब हुई थी कि जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे टर्किश स्लेव, किसके अगेंस्ट, टर्किश स्लेव तागी के अगेंस्ट जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे। नेक्स्ट इज दीवानी खोही,
दीवाने को ही क्या है, अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दीवाने को ही वॉज सेट अप बाय मोहम्मद बिन तुगलक. ही बिल्ट फोर्ट्रेस ऑफ आदिलाबाद एंड सिटी ऑफ जहां पना. इन्होंने क्या किया था, एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया था एग्रीकल्चर में, जिसे दीवाने को ही के नाम से जानते हैं. और ये ही बिल्ट फोर्ट्रेस, जो फोर्ट्रेस बनाया था उन्होंने आदिलाबाद में, और सिटी बनाई थी जहां पना. इब्न बतूता जो थे, इनके फेमस बहुत मोरक्कन ट्रैवलर हुए हैं इब्न बतूता. ये केम टू दिल्ली इन 1334, इनमें दिल्ली में आए थे 1334 में. एक्टेड एज द काजी ऑफ द कैपिटल फॉर 8 ईयर्स. 8 ईयर्स तक इन्होंने ऐसे एक्ट की, मतलब एज अ काजी रहे इनके कैपिटल के. ही रिकॉर्डेड द कंटेम्प्रेरी इंडियन सीन इन हिज ट्रैवल अकाउंट रिहिला. इन्होंने पूरा का पूरा कंटेम्प्रेरी इंडियन सीन अपने ट्रैवल जो अकाउंट है उसमें मेंशन किया है, जिसका नाम है रिहिला. नेक्स्ट कम फिरोज शाह तुगलक. ही मेड द एकता सिस्टम हेरिडिट्री. इनका भी पीरियड गिवन है, पीरियड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ही मेड द एकता सिस्टम हेरिडिट्री. इन ऑर्डर टू एनकरेज एग्रीकल्चर द सुल्तान पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन टू इरीगेशन. ही रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ कैनाल्स. फर्स्ट कैनाल वॉज फ्रॉम सुतलज टू घग्गर. द सेकेंड कैनाल कैरिड वाटर फ्रॉम यमुना टू हिसार. ही इम्पोज्ड हकी शार्ब ऑन हासिले शार्ब, दैट इज वाटर टेक्स्ट. ही बॉट टू पिलर्स ऑफ अशोका फ्रॉम टोपारा एंड मेरठ टू दिल्ली एंड रिपेयर कुतुब मीनार व्हेन इट वॉज स्टक बाय लाइटनिंग. अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ दीवाने खैरत वॉज सेटअप टू मेक प्रोविजन फॉर मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स. दीवाने बंदा गाँव वॉज क्रिएटेड एज द डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स. इंट्रोड्यूस टू न्यू कॉइन्स, आधा 50% जितल एंड बिक 25% जीतल. ही वॉज सक्सीडेड बाय ग्यासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट, अबू बकरू शाह, न्यासुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन सिकंदर शाह. इन्होंने बिल्ट न्यू टाउन्स ऑफ फतेहबाद, हिसार, जौनपुर इन मेमोरी ऑफ मोहम्मद तुगलक. फिरोजाबाद बिरानी द हिस्टोरियन वॉज इन हिज कोर्ट. ही रोट तारीख फिरोज शाही एंड फतवाहे जिंदा जहानदारी. फतवाहे जहानदारी इन्होंने लिखी हैं. अब इसके बारे में यही बताया गया है कि जो ये फिरोज शाह तुगलक थे, ये कृषि को बढ़ावा देते थे और इन्होंने एकता प्रणाली को भी वंशागुणत बना दिया था. और इन्होंने सिंचाई पर, कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया था. कई नहरों की मरम्मत भी कराई थी. पहली नहर जो सतलुज से घग्गर तक थी और दूसरी नहर जो यमुना से हिसार तक थी पानी ले जाती थी. उन्होंने हके शरब और हासिल शरब यानी जल कर भी लगाया. वे टोपारा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली ले आया और बिजली गिरने पर कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई. दीवाने खैरत का नया विभाग गरीब लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करने के लिए स्थापित किया गया था और दीवाने बंद गांव को दासों के विभाग के रूप में बनाया गया था. 2 नए सिक्के, आधा आधा जो कि 50% जीतल था और बिक जो 25% जीतल था, पेश किया गया था. आगे इनके जो सक्सीडर्स थे वो थे ग्यासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट, अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद और अलाउद्दीन सिकंदर शाह. फतेहाबाद, हिसार और जौनपुर जो कि फिरोज़ाबाद के जो नए शहरों का निर्माण किया गया था, ये किया गया था क्योंकि मोहम्मद तुगलक की याद में बनाए गए थे. इतिहासकार बर्नी उनके दरबार में था और उसने तारीख़ फिरोज शाही और फतवाहे जहांदारी भी इन्हीं के पीरियड में, इन्हीं की डिनेस्टी में लिखी थी. अब सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या था. अ न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इंट्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू कुरान. कुरान में मेंशन किया गया है कि एक नया सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इंट्रोड्यूस किया गया था. खारज, अ लैंड टैक्स ऑफ 1/10 ऑफ द प्रोसीजर ऑफ लैंड. ज़कात, 2.5% ऑफ टैक्स ऑन प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम ओनली. जजिया, टैक्स बाय नॉन मुस्लिम्स इवन बाय ब्राह्मण्स ऑल्सो. खाम्स, 1/6 ऑफ द लूट कैप्चर ड्यूरिंग वॉर. नेक्स्ट कम द सैयद डिनेस्टी.
इनका भी पीरियड गिवन है 1414 टू 1451। खिज़र खान जो इनके फाउंडर थे वो थे सैयद डिनेस्टी, ही फाउंडेड द सैयद डिनेस्टी। खिज़र खान इनके फाउंडर थे और ही फाउंडेड द सैयद डिनेस्टी एंड क्लेम टू हैव डिसेंडेड फ्रॉम द प्रॉफेट ऑफ इस्लाम। खिज़र खान टुक द टाइटल ऑफ रियायत ए अला एंड नॉट ऑफ किंग। द कॉइंस वर स्ट्रक एंड खुतबा वाज रेड इन द नेम ऑफ तैमूर एंड हिज सक्सेसर शाहरुख। खिज़र खान्स थ्री सक्सेसर्स वर इनकैपेबल रूलर्स। जो खिज़र खान के बाकी के जो तीन सक्सेसर्स थे वो क्या थे, इनकैपेबल थे, मतलब इतने कैपेबल नहीं थे। और इसमें यही बताया गया कि वो राजा ही नहीं बल्कि रईत आला की उपाधि भी उन्होंने धारण की थी और सिक्के ढलवाए थे और तैमूर और उसके उत्तराधिकारी शाहरुख के नाम का खुतबा पढ़ा गया। खिज़र खान के तीन अधिकारी जो थे अक्षम थे। नेक्स्ट कम्स मुबारक शाह, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। इनका भी पीरियड गिवन है, ही लेट सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस अगेंस्ट मवातीज खतेहर्स एंड गंगेटी दुआब एरिया। ही वॉज किल्ड एंड डिपोज्ड बाय द नॉबल्स। मोहम्मद शाह भी बताया गया, ही रूल्ड ऑन अ वेरी स्मॉल एरिया एंड रेस्ट बीइंग गवर्न्ड बाय हिज नॉबल्स। आलम शाह वॉज द लास्ट सैयद किंग। लास्ट सैयद किंग कौन थे, आलम शाह थे, हु रिटायर्ड एज अ कावर्ड एंड डिसेंडिंग इन फेवर ऑफ बहलोल लोधी। द सैयद डिनेस्टी वॉज रिप्लेस्ड बाय द लोधी डिनेस्टी। याहया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सिरहिंदी रोट तारीख मुबारक शाही, हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद शाह ऑफ सैयद डिनेस्टी। जिस जो याहया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सिरहिंदी जो थे उन्होंने तारीख मुबारक शाही लिखी थी जिसमें मोहम्मद शाह ऑफ सैयद डिनेस्टी की पूरी हिस्ट्री है। इसके बाद इनका जो था पतन होना शुरू हो गया था और लोधी डिनेस्टी का स्थापना होनी शुरू हो गई थी। तो लोधी डिनेस्टी है नेक्स्ट 1451 टू 1526, कंसीडर्ड एज द फर्स्ट अफगान डिनेस्टी ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फर्स्ट अफगान डिनेस्टी कौन सी थी, तो वो थी लोधी डिनेस्टी। लोधी डिनेस्टी के जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो थे बहलोल लोधी। इनका पीरियड गिवन है 1451 टू 1489। ही एनेक्स्ड एंटायर शर्की किंगडम एंड इशूड बहलोल कॉइंस। His achievement was the conquest and annexation of the kingdom of Jaunpur. He never sat on the throne and used to sit on carpets along with the Amin. तो भारत में लोधी वंश की जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे और उन्होंने अपने पूरे के पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और बहलोल के सिक्के जारी किए गए थे। उनकी उपलब्धि जो थी जौनपुर राज्य की विजय और विलय थी और वे कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे, वो अमीनों के साथ कालीनों पर बैठा करते थे। सिकंदर लोधी, पीरियड इज गिवन, नॉबलेस्ट ऑफ द थ्री लोधी रूलर्स। हिज रियल नेम वॉज निज़ाम खान। कॉन्क्वायर्ड बिहार एंड बंगाल इन AD 1504। ही बिल्ट अ न्यू सिटी आगरा एंड मेड इट हिज कैपिटल। सो ये सबसे ज़्यादा नॉबल थे, काइंड थे और इनका नाम था निज़ाम खान और इन्होंने बिहार और बंगाल को कॉन्क्वायर किया था और एक नई सिटी बनाई थी जो कि आगरा थी एंड उसको उन्होंने अपना नया कैपिटल बनाया। ही वॉज फैनेटिकल मुस्लिम एंड ब्रॉक द सेक्रेड इमेजेस ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नगारकोट एंड ऑर्डर द टेम्पल ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉयड। इन्होंने कई टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया है, जो सेक्रेड इमेजेस थी ज्वालामुखी टेम्पल की उन्होंने वो भी ब्लॉक कर दी थी, तोड़ दी थी एट नगारकोट पर एंड ऑर्डर कर दिया था कि जो भी मथुरा के टेम्पल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ही एनकरेज एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर को एनकरेज किया फॉर मेजरमेंट ऑफ लैंड। ही इंट्रोड्यूस द गजी सिकंदरी जो थी 32 डिजिट्स थी फॉर मेजरिंग कल्टीवेटेड फील्ड्स, फील्ड्स को कल्टीवेट करने के लिए 32 डिजिट्स होती थी जिसको गजी सिकंदरी बोला गया। ही वॉज पोएट एंड रोड वर्सेज इन पर्सियन अंडर द पेन नेम
गुल रुखी। ये पोएट थे और उन्होंने काफ़ी वर्सेस भी लिखी हैं पर्सियन में, जिन अंडर द पेन नेम ऑफ गलरुखी, गलरुखी के अंडर में। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट नेम इन लोदी डिनेस्टी। अरेस्टेड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द सुल्तान, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द नोबल्स टर्न्ड अगेंस्ट हिम। एट लास्ट दौलत खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वाइटेड बाबर टू ओवर थ्रो इब्राहिम। ही कैप्चर्ड ग्वालियर फ्रॉम तोमर डिनेस्टी बट ही वॉज डिफीटेड बाय राणा संगा ऑफ मेवाड़ इन बैटल ऑफ Katoli. He was defeated and died at the hands of Babur in the first battle of Panipat in AD 1526. This marked the end of Delhi Sultanate. So, इसमें भी यही बताया गया है कि जो इब्राहिम लोदी थे उन्होंने क्या किया था, जो उन्होंने क्या किया था, सुल्तान की जो निरंकुश शक्ति थी उसको अरेस्ट कर लिया था, मतलब उसको लागू नहीं करने दिया था। परिणाम स्वरूप जो कुछ रईस थे उनके खिलाफ हो गए थे और अंत में पंजाब के गवर्नर जो दौलत खान थे, वो लोधी, दौलत खान लोधी ने इब्राहिम को उखाड़ फेंकने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था और उसने तोमर वंश से ग्वालियर पर कब्जा कर लिया था। लेकिन खतौली जो कि 1518 की लड़ाई में मेवाड़ के राणा संगा से हारा गया था और वह 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों पराजित हुआ और मर गया। इसने दिल्ली सल्तनत के अंत को चिन्हित कर दिया था कि अब दिल्ली सल्तनत का अंत दूर नहीं है। तो इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेशन दिए गए हैं, यू कैन डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट है, वज़ीर को डिपार्टमेंट मिलता था रिवेन्यू का, अरीजे मामालिक जो थे मिलिट्री से रिलेटेड थे, शेफ सदर जो थे दीवाने रिसालत यानी कि रिलीजियस मैटर से रिलेटेड थे, दायरे ममालिक जो थे दीवाने इंशा थे, रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो थे। अब लिटरेचर भी गिवन है, जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लर्न लेटर ऑन। एंड नेक्स्ट में भी प्रोविंशियल किंगडम्स दी गई हैं, दिस इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड लर्न लेटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो और जो अदर लोग अदर पीपल हैं जो आई थिंक उनको जिनको नोट्स की नीड होती है एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा होगा। सो थैंक यू।